बुलेटिन में पहले बात तीर्थ नगरी हरिद्वार की, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हरिद्वार के निर्मल छावनी में कंबल व्यापारी अमित उर्फ गोल्डी के घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई और सरे रहा हुए इस गोलीकांड से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार की व्यापारी अमित कौशिक उर्फ गोल्डी की हरिद्वार में अपर रोड पर कंबल की दुकान है। शाम 7:30 बजे अमित किसी काम से घर से निकला तो वहां पर पहले से घात लगाए बैठे हमलावर ने अमित पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चला दी और फरार हो गए। आवाज सुनकर स्थानीय लोग और परिजन अमित को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। अमित दीक्षित नाम बता रहे हैं, उर्फ गोल्डी, कंबल का व्यापार है इनका, रतन टॉकीज के पास जो इनकी दुकान है। अभी शाम को लगभग 7:15 के आसपास ही अपने आवास से निकले थे स्कूटी से। तो अभी जो चश्मे जहाँ जिन्होंने देखा है वो बता दें कि एक मोटरसाइकिल पे तीन लड़के थे जिन्होंने उनकी गोली मारी है। एक सर पे मारी है और तीन उनके सीने के आसपास मारी है। एक जो है जिंदा राउंड हमें मिला है यहाँ पर तलाशी के दौरान। निश्चित रूप से ये कोई रंजिश ही हो सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को इतनी ब्रूटली उस पर गोली मारना ये रंजिश ही हो सकती है। बाकी तो इसमें और कोई अभी क्लू हाथ पे नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अभी जाँच जारी है और साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मामला आपसी रंजिश का लगता है। हमारा एक व्यापारी साथी है भाई साहब, रोबे पे, बिल्कुल मेन रोड पे दुकान है उसकी, आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज सवारा व्यापारी, पूरे हरिद्वार का व्यापारी आज हॉस्पिटल में खड़ा है और अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि हमारी सुरक्षा क्या है। हम लोग इतना ज़्यादा कर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को देते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने आज तय किया, हम कल दाह संस्कार तक तो बाजार को बंद रखेंगे और 24 घंटे का समय पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। अगर इसमें कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापार मंडल पूरे हरिद्वार के जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, हम किसी के पास जाएंगे नहीं। सरे रहा हुए इस हत्याकांड से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, साथ ही व्यापारी की हत्या से अन्य व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने पुलिस को 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ने और घटना का खुलासा करने का समय दिया है। हरिद्वार से नरेश गुप्ता, इंडिया 24/7।